आज के प्रोग्राम की प्रेरणा सेठ जी की बेटी, दोनों बेटियों से मुझे मिली। वो चाह रही थी कि हम जन्मदिन पे आए और कुछ ना कुछ किया जाए। छोटा सा प्रोग्राम दीपोत्सव की बात थी, लेकिन बातें करते करते अपने संगठन के लोगों से, अपने साथियों से, अपने मित्रों से, हमारी संस्थाओं के सभी प्रमुखों से सबसे बात करते करते हुए इतना सबसे पॉजिटिविटी मिली कि मैं सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा कर पाएंगे। और उससे कई गुना सब लोगों के सहयोग से, गाँव के सहयोग से इस प्रोग्राम को हिट हुआ है। और लोगों का सब शांति में इतना 15,000 दिए जलाना, लेडीज आना, जेंट्स आना, उसके बाद उसके उपरांत भी शांतिमय तरीके से लोग प्रसाद वितरण होकर अपने घर पे पहुंच जावे, इससे बड़ी माई की कृपा कोई हो नहीं सकती। सब महालक्ष्मी की कृपा से बहुत ही बढ़िया होगा। धन्यवाद। आज जिनका जन्मदिन है उनके बारे में थोड़ा बताइए। तो हम सबके प्रेरणा स्रोत है गाँव के, हमारे तो नगर सेठ वही है और हम तो बचपन से उन्हीं को दादाजी देखते आए। मैंने अपने दादाजी को नहीं देखा, लेकिन उनमें हमेशा दादाजी को ही देखा। और हम तो चाहते हैं कि वो हमारी उम्र भी उनको लग जावे और वो 100 नहीं 200 साल भी जीवे, तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी और गांव के लिए बहुत गर्व की बात होगी। ये गली में तो कैसे पड़ते हैं।
प्रोग्राम की प्रेरणा सेठ जी की बेटी, दोनों बेटियों से मुझे मिली, वो चाह रही थी कि हम जन्मदिन पे आए और कुछ ना कुछ किया जाए। छोटा सा प्रोग्राम दीपोत्सव की बात थी, लेकिन बातें करते करते अपने संगठन के लोगों से, अपने साथियों से, अपने मित्रों से, हमारी संस्थाओं के सभी प्रमुखों से सबसे बात करते करते हुए इतना सबसे पॉजिटिविटी मिली कि मैं सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा कर पाएंगे, और उससे कई गुना सब लोगों के सहयोग से, गाँव के सहयोग से इस प्रोग्राम को हिट हुआ है और लोगों का सब शांति में। इतना 15,000 दिए जलाना, लेडीज आना, जेंट्स आना, उसके बाद उसके उपरांत भी शांतिमय तरीके से लोग प्रसाद वितरण होकर अपने घर पे पहुंच जावे, इससे बड़ी माई की कृपा कोई हो नहीं सकती। सब महालक्ष्मी की कृपा से बहुत ही बढ़िया होगा। धन्यवाद। आज जिनका जन्मदिन है उनके बारे में थोड़ा बताइए। तो हम सबके प्रेरणा स्रोत है गाँव के, हमारे तो नगर सेठ वही है और हम तो बचपन से उन्हीं को दादाजी देखते आए। मैंने अपने दादाजी को नहीं देखा, लेकिन उनमें हमेशा दादाजी को देखा, और हम तो चाहते हैं कि वो हमारी उम्र भी उनको लग जावे और वो 100 नहीं 200 साल भी जीवे, तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी और गांव के लिए बहुत गर्व की बात होगी।